हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन में वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है। वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है गाइस, ताकि वीडियो आपकी समझ में आए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हमें अपनी फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना है। सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं गाइस। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले, हमें डिस्प्ले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं गाइस। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एडवांसड, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं गाइस। यहाँ पे हमें वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमें अपने वॉलपेपर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अपना कोई भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेना है गाइस। यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे हमें अपने स्क्रीन पे या होम स्क्रीन पे जहाँ भी सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे हमने अपने होम स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से हमारा वॉलपेपर चेंज हो चुका है गाइस। इस तरह से आप अपने फ़ोन में भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।